नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है गलती। सरसों की तेल की खुशबू जैसे ही सरला जी तक पहुंची, वो नींद से जाग उठी। आहा, अचार बन रहा है, सोचकर ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर हाथ पैर ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे उठकर उन्होंने वॉकर का सहारा लिया और रसोई की ओर बढ़ चली। लो आ गई बूढ़ी, बहुत तेज नाक है इनकी। अभी तेल गर्म होना शुरू नहीं हुआ कि खबर लग गई। हाथ पैर तो काम नहीं करते, पर जबान भी इतनी चटोरी है कि पूछो मत। उनकी वॉकर की खटखट सुनकर रसोई घर में बहू बरबराने लगी। उसकी आवाज से वो ठिठक गई। पैर ऐसे भारी हो गए जैसे किसी ने भारी पत्थर बांध दिया हो। उनकी आंखें भर आई, उल्टे पैर लौटने लगी। तभी 10 वर्षीय पोती रीना की आवाज आई। मम्मी कैसे बोल रही हो आप दादी के लिए, उन्होंने सुन लिया तो। वैसे भी वो अपनी तबीयत के कारण बहुत परेशान रहती है। हाँ तो सुन लेने दे, हम भी कोई कम परेशान नहीं रहते। उल्टा सीधा वो खाए और फिर तकलीफ हम भुगते, बहू का स्वर तेज हो गया। आपसे तो बात करना ही फिजूल है, कहते हुए रीना जैसे ही बाहर आई, दादी को देखकर उसने शर्म से सिर झुका लिया। सॉरी दादी, वो मम्मी के कहने का वो मतलब नहीं था, उसने सफाई दी। हाँ बेटा, तला भुना और अचार खाने से मेरा दर्द बढ़ जाता है ना, और तेरी मम्मी को मेरी तबीयत की चिंता रहती है, इसीलिए बोल दिया। जैसे तैसे उनके मुंह से शब्द निकले। सरला जी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ चली। रीना ने उनको सहारा दिया और पलंग पर लिटा दिया। लेटते ही उन्होंने ख्यालों ने घेर लिया। जून का महीना और अचारों का मौसम। सरला जी पाक कला में बहुत निपुण थी। सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले में उनके बनाए खाने के चर्चे हुआ करते थे और सभी को इंतजार रहता था जून के महीने का, जब सरला जी तरह तरह के अचार बनाया करती थी। बाजार से खुद एक एक कैरी छांट कर लाना, उसे धोकर पोछना और फिर उसके एक समान टुकड़े करना, इन सब कामों के लिए वो बच्चों की छुट्टियां का भी भरपूर उपयोग करती। उनकी तीनों नंदे भी मानो साल भर से इसी समय का बेसब्री से इंतजार करती थी। भाभी, हम कितनी भी कोशिश कर ले, आपके हाथ की अचार जैसा स्वाद नहीं आता, नंदे कहती। हाँ मामी, मुझे भी आपके हाथ का ही लहसुन और कैरी का अचार पसंद है, आप मम्मी को भी सिखा दो ना, जब नन्हा राहुल बोलता तो जैसे उनकी सारी थकान उतर जाती। सारे मसाले खुद ही धोकर सुखाकर कुटकर तैयार करती थी। हर मौसम में अलग अलग तरह के अचार बनाया करती थी। कैरी और लहसुन के अलावा केर, करौंदे, आंवले, कटहल, गोभी, गाजर, मटर, सेम, बस नाम लो और अचार तैयार। कैरी के मौसम में तो मोहल्ले के कई घरों से भी पहले से ही फरमाइशी आनी शुरू हो जाती। किसी को लौंजी पसंद तो किसी को पानी की राई वाला अचार, कोई खड़े आम का अचार का शौकीन तो कोई मुरब्बे का, किसी को मीठा अचार पसंद तो कोई खट्टे तीखे अचार का दीवाना। कहने को तो वो ही कैरी और लगभग वो ही मसाले हुआ करते थे, पर बनाने के तरीके अलग। जून के महीने में उनके घर मानो उत्सव का माहौल रहता था। मोहल्ले की सभी महिलाएं उनकी मदद के लिए आती थी, गप्पे भी चलती और सबका साझा आचार भी बन जाता। हाँ, सभी लोग तैयारियां मिलकर करते थे। कोई कैरी धोने का काम करता तो कोई पोछने का, किसी के जिम्मे काटने का काम आता तो कुछ लोग हल्दी नमक डालकर रखने का काम करते, कोई मेथी सौंफ जीरा धोकर सुखाता तो कोई लाल मिर्च और हल्दी कूट देता। नमक तो भाई खड़ा वाला ही चाहिए, उससे एक अलग ही चटक अचार में जितने आती है, जितने लोग इतने ही अलग अलग ढेरों काम अलग अलग। अचार में मसालों की मात्रा, तेल की गर्माहट वगैरह का काम सरला जी ही किया करती थी। वो सभी के लिए बहुत प्यार से बनाती थी, शायद इसीलिए उनके हाथ जैसा स्वाद किसी और के बनाए अचार में नहीं आता था। जब से सरला जी को गठिये की शिकायत हुई, उनका अचार बनाना ही बना ही नहीं पाती थी।
बहू को ये सब काम झंझट के लगने के कारण वे बाजार के तैयार मसालों का ही उपयोग करती थी। वैसे भी आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में ना किसी के पास अब उतना समय है, ना धैर्य, ना ही दूसरे के लिए कुछ करने की इच्छा। उन्हें अचार बनाने के साथ साथ खाने का भी बहुत शौक था। बारहों महीने थाली में अचार तो होना ही चाहिए, पर जब से गठिया अचार हुआ तब से अचार खाने को तरस गई। अचार की तेज खुशबू से सरला जी वर्तमान में लौट आई, देखा तो उनकी पोती रीना खाने की थाली में ले आई थी, जिसमें ताजा बना हुआ अचार भी था। उनके मुंह में पानी आ गया। लो दादी खाना खा लो, और मम्मी ने पूछा है कि अचार कैसा बना है जरूर बताना। कहते हुए उसने पराठे का कौर तोड़कर अचार लगाकर उनकी ओर बढ़ाया। पर बेटा ये मेरा गठिया, कोई बात नहीं मम्मी जी, इतना सा खा लेने से कुछ नहीं होगा, अगर ज्यादा दर्द भी हुआ तो मैं मालिश कर दूंगी, आप तो चक्कर बताइए कैसा बना है। बहू ने नजरें झुकाए कहा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सरला जी की झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने झट से कैरी का एक फांक अपने मुंह में डाल लिया। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।